नाम भवानी लाल चौधरी है। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी की ओर से उम्मीदवार हूँ। मेरी पार्टी ने मेरे ऊपर बहुत से दिन से मेरे पास मेरा सर्टिफिकेट जिताया और उसने मैं जीत के आऊँ। सरदार पटेल पार्टी की तरफ से ही आपने क्यों नामांकन दाखिल किया? अदर पार्टी भी आपके लिए एक ऑप्शन थी, उन पार्टियों के पार्टी को आप क्यों नहीं चुना? मेरी भविष्य में एक ऐसी पार्टी थी जो सद और शुद्ध और भविष्य करने वाली पार्टी थी। इस पार्टी से मैं 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ और दूसरी ये पार्टी सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी जो है आज से 2008 से जुड़ी हुई थी, उसके उपलक्ष्य में ये पार्टी जो मेरे बहुत अच्छा इसका सहन शक्ति लगा और अच्छा काम लगा, इसके लिए मैं इसके साथ जुड़ा हूँ। अच्छा, सरदार पटेल पार्टी ने महाराष्ट्र में और देश में भी अलग अलग हिस्सों में काफ़ी बड़े पैमाने पर वो उम्मीदवार खड़े किए हैं, आपको आपको क्या उम्मीद है भविष्य में इस पार्टी की तरफ से? इस पार्टी का मेरे को नेचर अच्छा लगा और आने वाले टाइम में सिर्फ भारत में सिर्फ दो ही पार्टी होगी, एक बीजेपी और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी। आपने यहाँ से चुनाव नामांकन दाखिल किया, यहाँ की मूल समस्या क्या है और आपके पार्टी का एजेंडा क्या है? मेरी पार्टी का एजेंडा है मैन के गरीबों की सेवा करें, गरीबों को न्याय दिलाए और जितने भी अपने गरीब लोग हैं उनको अपने हक का कोई भी चीज़ मानते हैं, जहाँ पे कहीं जाते हैं तो अपने को गवर्नमेंट जब भी हम लोग किसी गवर्नमेंट के अंदर उतरते हैं अपना कोई कहना नहीं मानता है, इसके आधार पर गरीबों को न्याय दिलाने के लिए मैं उस पार्टी में उतरा। उत्तर पूर्व में जो है ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़ी है, यहाँ पे स्लम एरिया में बहुत बड़े पैमाने पर गरीब है और यहाँ पे अवैध तरीके से सारे एक्टिविटीज़ हो रही है। दूसरी बात, यहाँ पे एजुकेशनल कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, आप इसको कैसे देखते हैं? एजुकेशन के ऊपर उतरते हैं तो एजुकेशन डेवलपमेंट यहाँ पे एक मुंबई यूनिवर्सिटी का एक पवई में ITI है। दूसरी, हमारे एरिया में कल की बात बोलता हूँ कि यह पेट्रोल पंप इंडियन पेट्रोल पंप की भारतीय बड़ी वाली पार्टी को सिंबल लगा हुआ था, उसकी सिंबल की वजह से हजारों तादाद में लोगों को नुकसान हो गया और हजारों तादाद में जीव गया है और इसके आधार में सभी गवर्नमेंट के जितने भी तदाधिकारी हैं और सभी को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी उनको गरीबों को बाहर निकाले और उनको न्याय दिलाए। यहाँ पे जो है बड़े पैमाने पर बेरोजगार जो है वो इधर उधर भटक रहे हैं, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट का रोजगार को लेकर कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। मैं बड़ी तादाद में जितने भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री थी उसमें जितने भी लोग थे, बीजेपी लोग क्या करते हैं, यहाँ तादाद में बड़ी से बड़ी कंपनी थी उन कंपनी को निकाल के लिए गुजरात में शिफ्ट कर दिया है, ये बेरोजगार हो रहे हैं और बड़ी उद्योगपति हो रहे हैं और गरीबों की कोई सहायता करने वाली एक सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी है। मैं गरीबों के लिए 24/7 में लड़ने को चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी किल्लत है और पानी की 24 घंटा पानी देने का यहाँ के जो सिटिंग MPs है उन्होंने कमिटमेंट किया था, लेकिन 24 घंटा पानी यहाँ के लोगों को मिल नहीं रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है 24 घंटे में जितने भी जो नल बैठा थे बड़े से बड़े 2 इंच को बोलते हैं उनको 2.5 इंच की वादा किया जाता है और यहाँ पे जो पवई पॉइंट होते हुए हमारी ये उत्तर मुंबई पूर्व अधिकारियों को मैं कितने साल से मैं परेशान कर रहा हूँ कि भाई मेरे जितने गरीब लोगों को उनकी पानी की व्यवस्था करें और आगे से आगे अगर मेरी पार्टी आए तो मैं 2 इंच नहीं 2.5 इंच का पाइप बिठाते बैठूंगा, ये मेरी वादा है। अच्छा, यहाँ पे जो है हेल्थ सिस्टम जो है काफ़ी सवालिया निशान लगता है हेल्थ सिस्टम पे, यहाँ पे गवर्नमेंट के कोई बहुत बड़े अच्छे 5-7 स्टार लेवल के गवर्नमेंट अस्पताल नहीं है, जबकि आपके सिटिंग MP जो है वो केंद्र में भागीदारी रही है, आप इसको कैसे देखते हो और इसको आप कैसे सोल्यूशन निकालोगे इसका? ये सोल्यूशन मैं ये लिखाऊंगा कि टैगोर नगर में एक हॉस्पिटल गवर्नमेंट का है अम्बेडकर हॉस्पिटल, उसमें कोई सुविधा नहीं है, अगर हमारी पार्टी आए तो ये सुविधा एकल खिड़की से होगा, ICU की व्यवस्था की जाएगी, हर गरीब को न्याय मिलेगा और हर एक ही हॉस्पिटल में काम होगा और हमारी पार्टी का स्वास्थ्य बीमा 5 लाख का होगा। अच्छा, यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री साहब ने और उप मुख्यमंत्री साहब ने उत्तर पूर्व को स्मार्ट सिटी बनाएंगे ऐसा कमिटमेंट किया था, ऐसा आश्वासन दिया था, स्मार्ट सिटी हुई नहीं, उसके अपोज में ये इन लोकसभा मतदान संघ की जो हालत है वो बहुत बद से बदतर होती जा रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? यहाँ के MP साहब ने मनोज कोटेक साहब ने आज से कम 6 महीने पहले एक अनुरोध किया था कि मैं यहाँ पे मजदी भांडू और कांजूर मार्ग ये बड़े बड़े बहुत बड़े और ये रेलवे स्टेशन बनने जा रहे हैं
ये सुविधा आज से कम 5 साल के पहले बड़ी सिटी इनका अवरोध है, इनकी बोर्ड की कैचअप कर रहे हैं ये, और अभी तक रेलवे स्टेशन की कोई सुविधा नहीं हुई है, इन लोगों को उल्लू बना करके अपने वोट बैंक कर रहे हैं। अच्छा, या इस एरिया में जो है बाहर से अदर स्टेट से काफ़ी लोग रहते हैं, फंसे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे अदर स्टेट में उनके होम टाउन जाने के लिए कोई रेलवे की बहुत बड़ी कनेक्टिविटी नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं और इसको आप प्रशासन के लेवल पर आप कैसे इसको इसको फॉलोअप कैसे लेंगे आप? सर, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक सरदार होते हुए आपको मैं अनुरोध करता हूँ कि ये जो रेलवे की कनेक्टिविटी है, जैसे कि ये मेन प्रॉब्लम हो गए आपने, पहले कंजूर मार में आपने मेट्रो का सेक्शन का सेक्शन किया था, उसके बाद में उसको उठा करके वापस आरे डेयरी में डाल दिया गया है। ये सरकार की प्रॉब्लम हो रही है, और जो मेट्रो अपने बोलते हैं सेक्शन, ये जो मेन जुड़ा हुआ मेट्रो और ट्रेन का, ये दोनों मिलकर कांजूर मार में बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन के ये लोग वादा किया है, अभी कोई काम चालू नहीं किया है। मेरे विरोध है कि सबसे जल्दी से जल्दी इनका कंट्रोलिंग चालू करें। और आपको क्या लगता है, या इस एरिया में जो है सीनियर सिटीजन के लिए एक गार्डन बनना चाहिए था, छोटे बच्चों के लिए गार्डन बनना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ पे यहाँ पे हुआ नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे स्टेट का फंड्स काफ़ी आ रहा है, लेकिन बावजूद उस तरह से रोड की काम नहीं हो रही, आप इसको कैसे देखते हैं? स्टेट के जितने भी फंड आ रहे हैं, इसको गरीब लोगों के साथ में पूछ नहीं सकता है, जितने बड़े बड़े लोग फंड आ रहे हैं, लोग बोले फंड है, ये गवर्नमेंट तितर बितर हो चुकी है, हर पार्टी चेंज हो चुकी है, एक पार्टी की दो पार्टी हो चुकी है, उसके आधार पर ये टेंडर ठोक करके पार्टी जीतना चाहता है। इसके लिए मैं अनुरोध करता हूँ कि कोई भी चीज़ होए, कोई भी पार्टी एक हो, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल वादा करता है कि मेरी पार्टी को जीता ही आगे लाओ, मैं एक से एक काम करके दूँगा। आपको और क्या लगता है इस लोकसभा मतदार संघ की जनता की प्रॉब्लम क्या क्या है, और आप उसको कैसे टैकल करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? अगर हमको मेरी पार्टी को मौका दे तो एकदम एक नंबर हम एकल खिड़की से अपन को प्रॉब्लम हल करके देंगे। अच्छा, यहाँ पे रोड की जो समस्या है वो बहुत गंभीर है, और यहाँ पे ट्रैफिक की जो समस्या है वो भी बहुत गंभीर है, जिसके कारण पर्यावरण जो है, एनवायरनमेंट है, वो ख़राब होते जा रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? ट्रैफिक की सुविधा एक मैं बोलता हूँ, कभी भी चले जाओ, जहाँ भी गली में अगर अपन कोई ट्रैफिक 90-50 का रोड देते हैं, उसमें लोगों ने गाड़ी खड़ा कर देते हैं, गाड़ी का जान के अगर कोई किसी को कुछ नहीं बोल सकता है, कोई किसी को बोले भाई गाड़ी खड़ा क्यों करेगा, 90-50 रोड की वजह से किसी को आगे कुछ घर आ गया है, इसके लिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे अवैध तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, इसका सरकार की तरफ ध्यान नहीं है, आप इसको कैसे देखते हैं, इस अवैध कंस्ट्रक्शन को एक नियंत्रण में रखने के लिए? अवैध कंस्ट्रक्शन का एक ही बात है, यहाँ पे भारत में सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे मुंबई में होते हुए मेन प्रशासन कैसा, ट्रैफिक की वजह से कोई बंदे को किसी को बॉम्बे जाना है, बॉम्बे से हैदराबाद जाना है, और हैदराबाद जाने से पहले उस बंदे को 2-3 घंटे पहले पहुंचेगा तो बंदा पहुंच सकता नहीं, नहीं पहुंचा, ट्रॉफी कंडीशन में। आप अपने मतदाताओं के लिए चैनल के जरिए क्या अपील करोगे, और आपका चुनाव चिन्ह जो है इसको लेकर मतदाताओं के लिए क्या कहोगे आप? हमारी मतदाताओं को जब भी को मैं आज जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि मेरी एक ही अनुरोध है, जब भी गरीब को न्याय मिलेगा और बड़ी से बड़ी तादाद में मैं उनको न्याय दिलाऊंगा, और मेरे भविष्य में जो भी काम आएगा वो मेरे को हर मेरे मतदाताओं को मैं मदद करूंगा, ये मेरी सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी की निवेदन है, और दूसरी मेरी पार्टी को आप आगे लाइए और मैं सभी का साकार करूंगा। अच्छा, जैसे गुजरात में सरदार पटेल जगह स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना है, आप महाराष्ट्र में भी इस तरह से एक बहुत बड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू या उस तरह से म्यूजियम चाहते हैं क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान पुरुष थे, आने वाले भविष्य के अंदर उनके महापुरुषों का नाम अभी नहीं हुआ था, दूसरे ये महापुरुष का नाम से स्टेडियम बनाया था गुजरात में, और वो गुजरात का उनका नाम पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम निकाल के नरेंद्र मोदी दामोदर मोदी कर दिया गया। इसके लिए मैं सभी देशवासियों को निवेदन करना चाहता हूँ कि वो स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल किया जाए।